गुड मॉर्निंग बच्चों, ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर के टॉपिक कारक को पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग, इन सारे टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कारक। कारक क्या होते हैं, कारक किसे कहते हैं, ये बातें आपको समझ में आना बहुत आवश्यक है। देखिए, जो भी सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसमें नाउन भी होता है, हो सकता है प्रोनाउन भी हो, एडजेक्टिव भी हो, वर्ब भी हो, ये सारे पदबंध होते हैं। साधारण तौर पर आप समझें तो वाक्य में कर्ता भी होता है, क्रिया भी होती है और कर्म भी होता है। लेकिन इन सब के बीच में एक दूसरे का जो संबंध स्थापित करने वाले जो तत्व होते हैं, जो संबंध बतलाने वाले तत्व होते हैं, किसका संबंध बतलाते हैं वो, कि क्रिया किसने की, क्रिया का फल क्या हुआ, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, क्रिया करने वाला कौन था, क्रिया का प्रभाव क्या पड़ा, ये सारे संबंध बतलाने वाले जो तत्व हैं वो कारक कहलाते हैं। शॉर्ट बतौर यदि आपसे बताया जाए, यदि बहुत छोटे रूप में याद करने की क्षमता रखी जाए, तो संबंध बतलाने वाले तत्व क्या हैं, कारक हैं। संबंध बतलाने वाले तत्व को ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अब आप कहोगे कि संबंध कैसे बतलाते हैं वो, सेंटेंस में वो, वाक्य में वो एक दूसरे का संबंध बतलाते हैं कि क्रिया किसके द्वारा की गई, क्रिया का करने वाला कौन था, क्रिया का प्रभाव क्या पड़ा और क्रिया का प्रभाव किन किन पर पड़ा, इन सारी बातों का जो संबंध स्थापित करते हैं, जो एक दूसरे का संबंध बतलाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते हैं। तो शॉर्ट तौर पर यदि आप डेफिनेशन इसके डिफाइन याद करें तो याद कर सकते हैं कि संबंध बतलाने वाले तत्वों को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। वैसे डिफाइन के बतौर, परिभाषा के बतौर, कई बार बड़ी कक्षाओं में भी कारक की परिभाषा पूछी जाती है, आठवीं तक की कक्षाओं में भी कारक की परिभाषा पूछ ली जाती है, लेकिन छोटे बच्चे कम से कम इतना तो याद करें कि कारक क्या हैं, कारक संबंध बतलाने वाले तत्व हैं। अब डिफाइन की ओर चलते हैं, परिभाषा की ओर चलते हैं। कारक की परिभाषा, वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, कारक कहलाते हैं। बात वही है जो मैंने अभी आपको समझाने का प्रयास किया था कि संबंध बतलाने वाले तत्व ही क्या हैं, कारक हैं। लेकिन किसके साथ संबंध बतलाते हैं वो, क्रिया के साथ। तो दोबारा रेफरेंस देखिए, वाक्य में जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बताते हैं, कारक कहलाते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो संबंध है ना, वो किसके साथ बतलाते हैं, क्रिया के साथ। क्रिया किसने की, क्रिया का प्रभाव क्या पड़ा, पुस्तक किसने पढ़ी या किसके द्वारा लिखा गया, कौन क्या लाया, कौन किससे अलग हुआ, इस तरह से वो एक दूसरे का क्या बतलाते हैं, संबंध बतलाते हैं। वो उनका क्रिया के साथ क्या बतलाते हैं, संबंध बतलाते हैं। जैसे देखिए उदाहरण बतौर, सोहन ने घर साफ किया। अब यहाँ पर कर्ता कौन है, सोहन है, साफ करना क्रिया है।
लेकिन ने जो वर्ड है वो कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह है। तो ये कारक चिन्ह क्रिया के साथ संबंध बतला रहा है कि साफ करने वाला कौन है? सोहन। साफ करने वाला कौन है? सोहन है। क्या साफ किया गया? इसका जवाब भी ने ही देगा। क्या साफ किया गया? घर। तो ये दोनों का क्या बतला रहा है? ये संबंध बतला रहा है। आगे देखो, बच्चों के लिए दूध, माँ बच्चों के लिए दूध लाई। दूध लाना, लाना यहाँ पर क्रिया है, लेकिन लाने वाली कौन है? माँ। तो माँ बच्चों के लिए दूध लाई। तो यहाँ पर आप प्यारे बच्चों ध्यान दें कि माँ बच्चे के लिए दूध लाई, तो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ बतला रहा है? क्रिया के साथ बताया जा रहा है। लाना क्रिया है। क्या लाया गया? दूध। इस बात का आंसर भी कौन दे रहा है? के लिए। कौन लाई? माँ। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो ये सारे आंसर, सारे संबंध किसके द्वारा बताए जा रहे हैं? कारक के द्वारा, कारक चिन्ह के द्वारा बताए जा रहे हैं, है ना? राहुल मेज पर खड़ा है। अब यहाँ पर जो पर शब्द है वो संबंध बतला रहा है। मेज पर कौन खड़ा है? राहुल खड़ा है। कहाँ खड़ा है? मेज पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों, राहुल मेज पर खड़ा है, तो ये आपने जाना कि पर जो वर्ड है यहाँ पर, जो शब्द है यहाँ, वो क्या बतला रहा है? संबंध बतला रहा है। तो मोटे बतौर पर प्यारे बच्चों, इतना तो आपको याद होना ही चाहिए कि कारक संबंध बतलाने वाले तत्व हैं। कारक क्या बतलाने वाले तत्व हैं? संबंध बतलाने वाले तत्व। किसके साथ बतलाते हैं? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया के साथ बतलाते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का संबंध किसके साथ बतलाते हैं? क्रिया के साथ बतलाते हैं। तो इस तरह से कारक क्या हो गए? संबंध बतलाने वाले तत्व हो गए। तो अब आगे छोटी कक्षाओं में जो पूछे जाते हैं अधिकतर, इसकी काइंड्सों की संख्या काउंटिंग पूछी जाती है कि कारक के भेद कितने होते हैं। छोटी संख्याओं में क्या पूछा जाता है कि कारक के भेद कितने होते हैं? तो प्यारे बच्चों, सदैव ध्यान रहे कि कारक के 8 भेद होते हैं। एक भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। याद रखना है हमेशा कि कारक के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। जिस तरह से हमने नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 हमने सामने लिख रखे हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक, ये 8 कारकों के नेम हैं। ये 8 कारकों के क्या हैं? नेम हैं। अब इन 8 कारकों की ये कारक चिन्ह हैं जिन्हें विभक्तियां भी कहते हैं। जिन्हें क्या कहते हैं? विभक्तियां भी कहते हैं। जैसे कर्ता कारक की विभक्ति या कारक चिन्ह क्या है? ने है। कर्म कारक के कारक चिन्ह क्या है? को है। करण कारक का कारक चिन्ह से या के द्वारा है। संबंध कारक का के की, संप्रदान कारक का को के लिए, अपादान कारक से अलग होने का भाव होता है इसमें, संबंध कारक काके की दादेरी भी होता है इसका, अधिकरण कारक में पर, और संबोधन कारक हे ओ अरे। ये हो गए कारक के भेद। कितने होते हैं? 8। अब एक एक को समझिए। देखिए, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि विभक्ति किसे कहते हैं, तो सीधा सपाट आंसर है कि कारक चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। किनको? कारक चिन्हों को विभक्ति कहा जाता है। जैसे देखिए, यदि पूछा जाए कि कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है? को है। विभक्ति चिन्ह, विभक्ति क्या है? कारक चिन्हों को ही विभक्ति कहते हैं। तो ये थोड़ा सा उसमें भाषा में डिफरेंस आएगा, बोलचाल में अंतर आ सकता है कि विभक्ति क्या है कारक, और
कारक चिन्ह क्या है, तो कारक चिन्ह को ही क्या कहते हैं, विभक्ति कहते हैं। तो अब देखिए, जैसे अब यहाँ उदाहरण भी दिए गए हैं, कर्ता कारक ने कारक चिन्ह है, राम ने पुस्तक पढ़ी। अब ने जो ये वर्ड है यहाँ, ये क्या है, कर्ता कारक है। कर्म कारक देखिए, कारक चिन्ह क्या है, को, मंदारी बंदर को नचाता है, मंदारी बंदर को क्या करता है, नचाता है। तो को जो यहाँ वर्ड है वो क्या है, कौन सा कारक है, कर्म कारक है। करण कारक देखिए, से या के द्वारा इसका कारक चिन्ह होता है, छात्र पेन से लिखते हैं या क्या कलम से लिखते हैं, तो से के द्वारा काम किया जा रहा है। तो से जो वर्ड है यहाँ, देखिए से यहाँ पर अगले इसमें भी है, लेकिन यहाँ अलग होने का भाव है और यहाँ कार्य के आधार का बोध है। संप्रदान कारक देखिए, का के संप्रदान कारक में देखिए, को के लिए, जैसे मीना भाई के लिए राखी लाई है, मीना भाई के लिए क्या लाई है, राखी लाई है। तो के लिए जो जो यहाँ पर वर्ड है, ये कौन सा कारक चिन्ह है, संप्रदान कारक है। अपादान में देखिए, से अलग होने का भाव है, पेड़ से पत्ता गिरा, पत्ता गिरने के बाद वो एक उसे मिलेगा नहीं दोबारा, तो से यहाँ पर इसका कारक चिन्ह है। संबंध कारक में काके की और आरेरी भी होते हैं, जैसे मोहन की पुस्तक खो गई, संबंध है कि पुस्तक किसकी है, मोहन की। अधिकरण कारक में पर, बच्चे नदी में बच्चा नदी में तैरता है, तो यहाँ इसका में जो वर्ड है ये कौन सा कारक चिन्ह है, अधिकरण कारक चिन्ह है। संबोधन कारक में हे, अरे, हे भगवान हमारी रक्षा करो, तो इस तरह से हे भगवान जो जो यहाँ पर वर्ड है वो संबोधन कारक, किसी को बुलाने या पुकारने का भाव बतलाने वाला कारक चिन्ह है। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल हम इन आठों कारकों की आपको डिफाइन और इनसे थोड़ा सा डिटेल करा के दूसरे वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।